आज की कहानी है गणेश जी की बुद्धि। भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय अक्सर एक दूसरे से बहस करते और लड़ते रहते थे। एक दिन वे जंगल में एक फल पर ठोकर खा गए और दोनों ने फल लेना चाहा। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो उनके पिता भगवान शिव ने उस फल को एक विशेष प्रकार का फल माना जिसे खाने से अमरता और ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने उनसे कहा कि जो कोई भी ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगाकर सबसे तेजी से कैलाश पर्वत पर वापस आ सकेगा उसे यह फल मिलेगा। कार्तिकेय जल्दी से अपने वाहन मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। छोटे कद और मोटे गणेश को एहसास हुआ कि वे कभी भी अपने चूहे को नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने बस अपने पिता और माता के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। उन्होंने उनसे कहा कि उनके लिए वे ही उनका ब्रह्मांड हैं। गणेश की बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित होकर उनके पिता भगवान शिव ने उन्हें ये फल दिया। सीख: आप कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।